सितारों से आगे जहां और भी हैं, इम्तिहान जिंदगी में और भी। स्पेस में एक बार जाने का सपना तो हर किसी का होता है, बट आई एम श्योर कि एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि वहां जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए या फिर ऐसे हालात बन जाए कि लगे अब कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। आपने सोचा ऐसा कभी? ऐसा हुआ अपोलो 13 के क्रू के साथ। उनका स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर तक चला गया कि गिनीज रिकॉर्ड ही बन गया। मून वॉक करने का सपना सर्वाइवल की लड़ाई में बदल गया। पता नहीं अगली सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं, पता नहीं जिंदा बच पाएंगे या नहीं, पता नहीं कभी फिर अपनी फैमिली को मिल पाएंगे या नहीं, क्या होगा अगले पल कुछ पता नहीं। एक अनजान रूलर कोस्टर राइड में हो जैसे। स्वागत है आपका इस चैनल में और हो जाओ तैयार मेरे साथ अपोलो 13 मिशन के कुछ पल जीने के लिए। कैप्टन लेट्स गो। इससे पहले कि मैं आपको अपोलो 13 की एडवेंचरस जर्नी पर लेके चलूं, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट के बारे में। इसके क्रू में थे कमांडर जेम्स ए लोवेल जूनियर, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड डब्ल्यू हेसे जूनियर और कमांड मॉड्यूल पायलट जॉन एल जैक स्विगर जूनियर। इसका वेट था 29,49,136 kgs। इसके दो हिस्से थे LM यानी लूनर मॉड्यूल और CSM यानी कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। LM का नाम था Aquarius और CSM का नाम था Odyssey। इसकी ओरिजिनल लॉन्च डेट थी 12 मार्च 1970, इसे बदलकर 11 अप्रैल किया गया। अपोलो 13 को लैंड होना था फ्रा मोरो एरिया में, जो अपोलो 14 को रीअसाइन हुआ। ओरिजिनली इस मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट थे केंट मैटिंगली। लॉन्च के फाइनल वीक में पता चला कि मैटिंगली को जर्मन मीजल्स हो गया है, इसीलिए उनकी जगह लास्ट मिनट पर जैक स्विगर्ट ने इस मिशन की कमांड संभाली। ग्राउंड पर मिशन कंट्रोल सेंटर में एक स्पेशल टीम थी जिसको कहा जाता था कैपकॉम, कैप्सूल कम्युनिकेटर। कैपकॉम का काम था क्रू के साथ वॉइस कम्युनिकेशन बनाकर रखना। कैपकॉम ही टिपिकली एक ऐसा पर्सन था जिसको डायरेक्टली स्पेसक्राफ्ट में बात करना अलाउड था। वो क्रू और फ्लाइट कंट्रोल टीम के बीच लियाजन का काम करता था। अपोलो 13 की कैपकॉम टीम में तीन मेंबर्स थे। इस मिशन के चार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे सेलेनोलॉजिकल इंस्पेक्शन, सर्वे और मटीरियल सैम्पलिंग, अपोलो लूनर सरफेस एक्सपेरिमेंट्स पैकेज को डिप्लॉय और एक्टिवेट करना, इंसान के लूनर एनवायरनमेंट में काम करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना और एक्सप्लोरेशन साइट्स की पिक्चर लेना। अब चलते हैं अपोलो 13 के ट्रिप पर। 13 अप्रैल को रात के 9 बजे अपोलो 13 अर्थ से 200,000 miles दूर था। क्रू ने एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद वो लैंडिंग मॉड्यूल Aquarius को इंस्पेक्ट करने गए। अगले दिन अपोलो 13 को मून की ऑर्बिट में एंटर होना था। 33 घंटे के मून पर स्टे के दौरान लोवेल और हेस की दो मून वॉक्स प्लान थी। ऐसा करते ही वो दोनों मून पर चलने वाले 5th और 6th पर्सन बन जाते। इन मून वॉक्स में वो चांद पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी छोड़ने वाले थे, जिससे उनके लौटने के बाद भी वहां से साइंटिस्ट को डेटा मिलता रहे। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में बात करते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इन सब ने अपने रूटीन चोर्स खत्म किए, दे हर्ड अ बैंग। कुछ सेकंड्स के अंदर ही मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट के हाई गेन एंटीना से कुछ स्ट्रेंज डेटा उठाया। फिर मेन कंप्यूटर खुद ही रीस्टार्ट होने लगा और एक अननोन प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग शुरू कर दी। उसी समय स्पेसक्राफ्ट में मास्टर अलार्म चल पड़ी। इसे देखते ही स्विगर्ड ने मिशन कंट्रोल को कॉल किया और कहा, ओके ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम हियर। कैप्सूल कम्युनिकेटर एस्ट्रोनॉट जैक आर लुजमान ने पूछा, दिस इज ह्यूस्टन, से अगेन प्लीज। लोवेल ने जल्दी से सारी डिटेल्स बताई। अभी तक स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को या फिर ग्राउंड पर किसी को भी प्रॉब्लम है क्या, ये पता नहीं था। उनको लगा कि LM में कुछ हो गया है, तो लोवेल और स्विगर दोनों स्पेसक्राफ्ट को अलग करने वाले हैच को लॉक करने भागे। तभी हेज ने नोटिस किया कि ऑक्सीजन टैंक 2 में कुछ प्रॉब्लम है। This doesn't work. इस टैंक में पहले भी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। ग्राउंड पर ही टेस्टिंग के टाइम में ये गिरकर डैमेज हो गया था, पर इसे रिपेयर करके यूज कर लिया। इस इंसिडेंट के करीब 14 मिनट बाद लोवेल ने ग्राउंड पर कॉल किया और बताया
कि ऑक्सीजन टैंक 2 की रीडिंग 0 है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ वेंट आउट कर रहे हैं। कुछ वक्त बीतते बीतते कमांड मॉड्यूल के दो मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर ड्रॉप होने लगी। लगता था कि सिर्फ 15 ही मिनट की पावर बची है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल के लाइफ बोट में चले गए, लेकिन LM की पावर सप्लाई सिर्फ दो लोगों को 45 घंटे तक सपोर्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। और अगर इन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस अर्थ पर लाना था तो कम से कम 90 घंटे लगने थे। पावर सेविंग क्रिटिकल थी तो इमीडिएटली सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टर्न ऑफ किया, लेकिन इसका मतलब था हीटर भी बंद हो गए और क्रू को एक्सट्रीम कोल्ड फेस करना पड़ा। पानी को बचाने और फूड को देर तक चलाने के लिए भी काफी कुछ करना पड़ा। नॉर्मल वाटर सप्लाई का सिर्फ 1/5 पार्ट ही कंज्यूम किया। वेट फूड के पैकेट्स और हॉट डॉग्स थोड़े थोड़े करके खाते रहे। ग्राउंड पर स्पेस सेंटर्स में इंजीनियरिंग ने जो जो चेंजेस कहे वो एस्ट्रोनॉट्स करते रहे। अब तक ये डिसाइड हो चुका था कि स्पेसक्राफ्ट को मून का चक्कर लगाकर ही वापस आना होगा। वापस टर्न कराने के लिए मैनुअल इंजन बर्न करना पड़ा। पहला बर्न 4 मिनट और 23 सेकंड का था और इससे स्पेसक्राफ्ट ने वापस आने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड पकड़ ली। लेकिन इसके बाद भी 2 इंजन बर्न और करने पड़े ताकि स्पेसक्राफ्ट सही डायरेक्शन में चलता रहे और अर्थ तक पहुंच जाए। आखिरकार 17 अप्रैल को स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर हुआ और तीनों एस्ट्रोनॉट्स पैसिफिक ओशन में लैंड हुए। मोस्ट प्राउड ऑफ बीइंग इन दिस टीम। नासा मिशन कंट्रोल को हेड कर रहे थे लीड फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रांस। कोई भी ट्रेनिंग और कितना भी एक्सपीरियंस किसी को भी अपोलो 13 जैसे मिशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं कर सकता। मिशन कंट्रोल की पूरी टीम कांस्टेंट कैलकुलेशन में लगी रही। उनका टीम वर्क और क्लियर कम्युनिकेशन एस्ट्रोनॉट्स की टीम को वापस लाने के लिए बहुत ही क्रूशियल था। ये स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड नहीं हो पाया और इसे एक सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि इसका क्रू सेफली वापस लौट आया। इस मिशन से नासा ने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद के स्पेसक्राफ्ट में बहुत से डिजाइन चेंजेस और एडजस्टमेंट किए गए ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो। इसके अलावा सभी स्पेसक्राफ्ट में एक एडिशनल ऑक्सीजन टैंक लगाया गया। उसका डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर वो सिर्फ क्रू को ही ऑक्सीजन सप्लाई करे। ये सब डिटेल सुनाते सुनाते मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई। इन एस्ट्रोनॉट्स की जर्नी यही खत्म नहीं हुई। लौटने के 3 महीने बाद ये सब एक यूरोपियन गुडविल टूर पर गए और वो भी किसमें? गेस करो, प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन के एक प्रेसिडेंशियल जेट में। दे डिजर्व्ड इट। 15 दिन के टूर में वो 6 कंट्रीज में गए और प्रेसिडेंट्स, डिग्निटरीज, साइंटिस्ट और स्टूडेंट से मिले। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की जिसमें वो सोवियत कॉस्मोनॉट से भी मिले। इस मिशन पर मूवी भी बन चुकी है और बहुत सी किताबें भी लिखी गई। अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो।